एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति क्यों अपना घर बार बार बदलता है, तो इसको कैसा देखा जाता है आपकी कुंडली में। तो ये देखिए कि जब भी आप कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं और आप देखते हैं कि उस जातक या जातिका की कुंडली में चौथे भाव में मान लो चर राशि है, चर राशि होती है 1 नंबर मेष, 4 नंबर कर्क, 7 नंबर तुला, 10 नंबर मकर राशि है। अगर ये इसमें से कोई सी भी एक राशि चौथे भाव में आती है और इसका स्वामी भी जो है इन्हीं राशियों में बैठता है, चर राशियों में बैठता है, तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति अपना जो मकान है वो बार बार बदलता है। और ये भी देख सकते हैं कि ये D4 जो वर्क कुंडली है उसमें भी यही चीज़ कंफर्म होती है। तो ये 100% दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति अपना घर बार बार बदलेगा। कि चर राशि के बारे में जैसे आपको मालूम है कि चलायमान है और ये इसमें चर में क्रियाशीलता हो रहती है, तो चर का मतलब भी है कि आप जो है मूवमेंट करते रहेंगे। तो इस तरह से आप इसको अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं जब भी कुंडली विश्लेषण करें। अगर इसी की तरह से हम देखेंगे 10 नंबर का जो कर्म स्थान कहलाता है, लग्न से जो 10वां भाव है, अगर यहाँ पे भी 1, 4, 7, 10 की राशि हो और इसका स्वामी भी अगर आपका 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति को आप पाएंगे कि वो अपने व्यवसाय जो है व्यवसाय में बदलता रहता है, या वो बहुत ज़्यादा आपका मोमेंट है या यात्राएं करता है अपने कार्य के लिए। तो यही कंफर्मेशन के लिए आप D10 में भी इसको देख सकते हैं। अगर D10 में भी यही दर्शाता है कि वहाँ पे भी 10वें भाव में चर राशि है और उसका स्वामी वहाँ भी चर राशि में है और दोनों जगह लग्न कुंडली और दशमान कुंडली में कंफर्म होता है, तो ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति का जो व्यवसाय जो है बार बार बदलता रहेगा और या तो वो उसमें यात्राएं बहुत करेगा। तो ये सिंपल सी एक जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया। आप अपनी कुंडली में लगा सकते हैं और देख सकते हैं जब भी कुंडली विश्लेषण को आए तो आप इसका देख के आप ऐसा आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपको हमारे विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ पे उपलब्ध वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। आपको हमारे चैनल अच्छी लग रही है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो भी पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।